तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 7 अमेजिंग DIYs फ्रॉम वेस्ट मटेरियल। तो इन DIYs को आप बहुत ही इजीली अपने घर में बना सकते हैं, आप अपने घर को डेकोरेट एज वेल एज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल PZP। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट DIY के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये चकला। तो ये चकला मेरा काफ़ी पुराना है, मींस 6-7 साल पुराना है। शादी से पहले जब मैं पुणे में रहती थी एज अ बैचलर, तो वहाँ मैं ये चकला यूज़ करती थी। एंड आप इस चकले का साइज़ देख सकते हैं, ये थोड़ा बड़ा है क्योंकि वहाँ पे रोटियाँ नहीं चपाती बेसिकली बनाई जाती हैं, जो कि हमारे रोटी के साइज़ से थोड़ी बड़ी होती हैं। तो सबसे पहले मैं इसे अच्छे से क्लीन कर लूँगी क्योंकि मैं इस पर क्ले वर्क करती थी, तो थोड़ा मोड़ा क्ले इसमें चिपका हुआ है। तो अच्छे से मैंने इसे क्लीन कर लिया है, सैंडिंग करके इसे बहुत अच्छे से मैंने वाइप कर लिया है। अब नेक्स्ट जो इसका स्टैंड है इसे हम रिमूव करेंगे। आप चाहें तो इसे रख भी सकते हैं, बट मुझे इसे रिमूव करना था तो मैंने यहाँ पे हैमर की हेल्प से इसे कुछ इस तरीके से डिटैच कर लिया है। अच्छा, आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा खासा चकला था, उसे ख़राब कर दिया या बर्बाद कर दिया, जब ये चकला था तो दूसरा ख़रीदने की क्या ज़रूरत थी। तो एक्चुअली मैं मार्बल का चकला यूज़ करती हूँ एंड ये चकला मेरे पास पहले का है। एंड इस बार मैं घर गई थी तो वहाँ पे ये स्टोर रूम में पड़ा हुआ था, तो मैं उसे उठा के लाई। अब सब कुछ हमने क्लीन कर लिया है, अब सबसे पहले मैं अप्लाई करूँगी जेसो। जेसो बेसिकली क्या करता है, आपका जो सरफेस होता है उसे पेंट रेडी करता है एंड आपके कलर को ये होल्ड करता है। आप किसी भी सरफेस पे जेसो अप्लाई करते हैं तो उसे नेचुरली ड्राई होने दीजिए। एंड अब ये अच्छे से ड्राई हो चुका है तो मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूँगी विद द हेल्प ऑफ कंपास। एंड जो सेंटर पार्ट है उसे मैं ग्रीन कलर से यहाँ पे पेंट करूँगी। तो मैंने यहाँ पे 2 शेड्स यूज़ किए हैं ग्रीन कलर के एंड इन्हें आपस में मिक्स करते हुए जो सेंटर पार्ट था उसे मैंने पेंट कर लिया है। तो इसे पेंट करने के लिए मैंने ब्रश एंड स्पंज दोनों यूज़ किया है। तो सबसे पहले मैंने ब्रश से अच्छे से पेंट अप्लाई कर दिया है एंड इसके बाद थोड़ा सा और पेंट मैंने स्पंज में लेके उसे डैब करके इस तरीके से पेंट कर लिया है। अब ये ड्राई हो चुका है तो मैं यहाँ पे परमानेंट मार्कर से कुछ छोटे छोटे फ्लावर्स यहाँ पर बनाऊँगी एंड इसके बाद मैंने ऑरेंज एंड गोल्डन येलो कलर से इसे पेंट कर लिया है। तो मैंने इसे थोड़ा सा ट्रॉपिकल थीम के साथ पेंट किया है, मतलब कुछ छोटे छोटे फ्लावर्स एंड पेटल्स यहाँ पे मैंने पेंट किए हैं। आप अगर ऐसा कुछ बना रहे हैं तो आप यहाँ पे कोई इंडियन आर्ट भी पेंट कर सकते हैं, लाइक मधुबनी पेंटिंग, पटचित्र पेंटिंग। तो आप कोई भी आर्ट फॉर्म यहाँ पे बना सकते हैं, आप बोहो आर्ट भी कर सकते हैं, वो भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो आप पॉप आर्ट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इस तरीके के पैटर्न्स भी पेंट कर सकते हैं। आप अगर पिंटरेस्ट पे फॉलो नहीं करते हैं, अगर आपने पिंटरेस्ट अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए एंड वहाँ पे आपको बस ये टाइप करना है फ्लोरल पैटर्न्स। आपको ऐसे भर भर के डिज़ाइंस मिलेंगे एंड वहाँ पे आपको बहुत सारे इंस्पिरेशंस एंड डिज़ाइंस मिल जाएंगे जिसे आप रिक्रिएट कर सकते हैं या उनसे इंस्पायर होके आप अपना कुछ डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये जो मैंने पैटर्न बनाया है ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है, इस टाइप के डिज़ाइंस आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। तो आप पिंटरेस्ट पे जाके ऐसे डिज़ाइंस चेक कर सकते हैं।
नाउ विद द हेल्प ऑफ बर्न सियना मैं जो ट्रे का बॉर्डर है इसे पेंट करूँगी एंड इससे मैं एक लुक दूंगी डार्क वुडन फिनिश का। तो मैं इसे एज अ सेंटर टेबल डेकोर यूज़ करने वाली हूँ। आप इसके ऊपर कैंडल रख सकते हैं, आप कोई भी चीज़ इसके ऊपर रख के इसे डेकोरेट कर सकते हैं। लास्ट में मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये लिटिल बर्डी का डेकोर वार्निश, तो ये मैंने लिया है आपको इट्सी बिट्सी से। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। एंड आपको एक्स्ट्रा 5% ऑफ भी मिल सकता है अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं खुशबू5। तो जो भी डिटेल्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजिली हमने एक सेंटर टेबल डेकोर बना लिया है। आप इसे कहीं पे भी डेकोरेट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे वॉल पे भी हैंग कर सकते हैं। तो सेकेंड DIY के लिए मैंने यहाँ पे लिया है हॉट चॉकलेट का ये एम्प्टी कंटेनर। तो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ ये रोप। तो ये मैंने लोकल हार्डवेयर स्टोर से काफ़ी टाइम पहले लिया था। 10 रुपीज़ पर बंडल मिलती है, छोटे छोटे बंडल्स होती हैं इनकी। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इस तरीके के मैक्रमे रोप भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही इजी प्रोसेस है, जैसा कि आपने बहुत सारे वीडियोज़ में देखा है कि ग्लूगन की हेल्प से हमें बस रोप को इस तरीके से इसके अराउंड स्टिक करना है एंड इसी तरीके से पूरा रोल करके हमें अपना जो ये कंटेनर है इसे कवर कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 10 रुपीज़ वाले रोप्स यूज़ किए हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे आपको बहुत सारे जॉइंट्स दिखेंगे। बेसिकली मैंने ये किड्स फ्रेंडली DIY किया है क्योंकि बच्चों की उतनी बजट नहीं होती है कि वो महंगे महंगे आर्ट सप्लाईज़ खरीद सके। तो यहाँ पे मैंने ये 10 रुपये वाली रोप यूज़ की है एंड इस तरीके से हमने अपने कंटेनर को कवर कर लिया है। अब इसका जो लिड है इसे हम इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर एक छोटी सी रोप मैंने ली है एंड इस तरीके से इसे स्टिक कर लिया है एंड इसके अराउंड अब मैं रोप को रैप करते हुए पूरे जो कैप है इसे हम कवर कर देंगे। तो हमारा बॉक्स रेडी है, अब हम इसे थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पे जो जॉइंट्स हैं इन्हें हमें कवर करना है। आप चाहें तो इसे पेंट भी कर सकते हैं बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्विक DIY करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये कुछ पॉम्पॉम्स लिए हैं एंड विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन जहाँ जहाँ पे जॉइंट्स थे वहाँ वहाँ पे मैंने इन्हें स्टिक कर दिया। वेल, जॉइंट्स तो 2-3 ही थे बट जितने भी पॉम्पॉम्स थे इनको मैंने पूरा यहाँ पे यूज़ कर लिया है एंड पूरे कंटेनर को इस तरीके से डेकोरेट कर लिया है। तो ऐसे जो छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं ये बड़े काम की चीज़ें होती हैं। लाइक हम इसमें अपना कॉटन रख सकते हैं, आप इसमें ईयरबड्स, टूथपिक्स या फिर छोटी छोटी जो निकनैक चीज़ें होती हैं उन्हें भी हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड DIY की तरफ। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है अपना ये खाली सेलो टेप का जो रोल होता है उसे। एक्चुअली ये सेलो टेप नहीं है, ये पैकेजिंग टेप था। तो इसके अंदर जो आपको पेपर दिख रहा है ये काफ़ी गंदा दिख रहा है, तो इसे मैं यहाँ पे पेंट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे वाइट एंड ब्लू कलर मिक्स करके लाइट ब्लू कलर का शेड बनाया है एंड उससे मैंने इसे पेंट कर लिया है। तो आप कोई भी कलर शेड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ये लेस ली है क्योंकि इस पे जो लेस लगी है वो ब्लू कलर की थी, इसलिए मैंने अंदर भी ब्लू कलर ही पेंट किया है। एंड इसके बाद हम अपना जो लेस है उसका मेजरमेंट ले लेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ फेविकॉल हम इसे यहाँ पे स्टिक कर लेंगे। तो मैंने नीचे की तरफ कोई बेस यहाँ पे स्टिक नहीं किया है, आप चाहें तो उसे स्टिक कर सकते हैं। मैंने बस इसे हॉलो रखा है सो दैट कि कोई भी कैंडल अगर मैंने वहाँ पे कहीं पे डेकोरेट किया है एंड वो बहुत ही अपीलिंग नहीं है, खूबसूरत नहीं है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे इसे कवर कर सकते हैं एंड आप अपने किसी भी कॉर्नर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने 4 DIY की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक खाली बॉटल लिया है जो कि है फेविकॉल का। आप कोई भी बॉटल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बस प्लास्टिक का होना चाहिए सो दैट कि हम उसे कट कर सकें। तो यहाँ पे जो पोर्शन मुझे कट करना है उसे मैंने इस तरीके से मार्क कर लिया है एंड उसके बाद मैंने क्राफ्ट कटर की हेल्प से इसे कट कर लिया है।
तो क्योंकि ये एक फेविकॉल का बॉटल था तो अंदर थोड़ा फेविकॉल था, तो अब मैंने इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वॉल पुट्टी। तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका कौन सा वॉल पुट्टी है, हमारा वॉल पुट्टी इतना अच्छा वर्क नहीं करता है, ऐसा रिज़ल्ट नहीं देता है। तो मैंने यहाँ पे ये JK सीमेंट का मैंने वॉल पुट्टी यूज़ किया है, जो कि आपको बहुत ही ईजिली लोकल हार्डवेयर स्टोर्स वगैरह में मिल जाएंगी। एंड विद द हेल्प ऑफ वाटर हमें एक डो रेडी करना है, हमें एडिशनल कुछ भी इसमें मिक्स नहीं करना है, लाइक फेविकॉल और POP, नथिंग, सिर्फ पुट्टी एंड वाटर हमें यहाँ पे मिक्स करके एक अच्छा डो रेडी करना है। अब डो का थोड़ा सा पोर्शन मैंने इस तरीके से कार्डबोर्ड के ऊपर रखा है, आप चाहें तो किसी प्लास्टिक के ऊपर भी रख सकते हैं। एंड इस तरीके से मैंने अपनी बॉटल को इसके ऊपर फिक्स कर दिया है। हमें बॉटल को रखने के लिए एक बेस चाहिए, तो इसके लिए हमने सबसे पहले एक बेस रेडी कर लिया है। अब जो भी डिज़ाइंस आपको बनानी है ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप क्या डिज़ाइंस चाहते हैं। मैंने यहाँ पे एक फेरी हाउस बनाया है, लाइक मैंने यहाँ पे डोर्स, विंडोज़ एंड कुछ ट्रीज़ बनाए हैं, तो बस देखते जाइए मैंने कैसे बनाया है। तो क्ले पार्ट होने के बाद हम इसे कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए रख देंगे। तो अब ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है, अब हम करेंगे इसे पेंट। तो सबसे पहले जो बॉटल का बेस है, लाइक जो हमें वॉल दिखाना है, उसे मैंने यहाँ पे पेंट कर लिया है। एंड इसके बाद जो बचे हुए क्ले पार्ट्स थे उनको मैंने सबसे पहले ब्लैक एक्रेलिक कलर से पेंट कर लिया है। आप चाहें तो लाइटर शेड्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने कुछ इस तरीके से इसे पहले पेंट किया है। एंड इसके ऊपर अब जो कलर्स हैं वो मैं यूज़ करके इसे पेंट करूँगी। इससे क्या होगा, थोड़ा सा डार्क थीम आता है, तो इसके लिए मैंने बेस में ब्लैक कलर यूज़ किया है। आप चाहें तो लाइटर शेड्स भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके बाद मैंने कुछ लीव्स वगैरह यहाँ पे पेंट कर ली है। तो आप इससे इंस्पायर होकर अगर कुछ भी बनाते हैं तो मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप मुझे DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम BZB16 पे। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके रिक्रिएशंस को देखने में। अगर आप अपने फीड पे पोस्ट कर रहे हैं तो आप मुझे टैग करना बिल्कुल ना भूलें। एंड मैं अपनी स्टोरीज़ में जनरली शेयर करती रहती हूँ, आई एम सॉरी अगर कभी स्किप हो जाता है तो। वेल, हमारा जो बॉटल प्लांटर था वो रेडी हो चुका है, अब हम चलते हैं अपने अगले DIY पे। तो इस तरीके के कार्डबोर्ड बॉक्सेस हमारे पास बहुत होते हैं जो कि हम फेक देते हैं, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट साइजेस के बॉक्सेस मैंने ले लिए हैं। एंड सबसे पहले आप प्लान कर लीजिए कि आपको रखना क्या है, आपको किस चीज़ के लिए ऑर्गेनाइज़र बनाना है। एंड इसके बाद मैंने कुछ इस तरीके से इसे मार्क कर लिया है एंड अब मैं इसे कट कर लूँगी। तो हमने कुछ इस तरीके से इसे कट कर लिया है। अब जो ये फ्लैप ओपन हुई है इसे मैं पीछे की तरफ स्टिक कर दूंगी, जिससे कि हमारा जो ये ऑर्गेनाइज़र है वो थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएगा। एंड फेविकॉल की हेल्प से मैं इसे स्टिक कर दूंगी। थोड़ा सा इसे सिक्योर करने के लिए मैंने मास्किंग टेप की हेल्प से इसे सिक्योर कर लिया है। एंड इसके बाद हम अपने सारे बॉक्सेस को इस तरीके से रेडी कर लेंगे। तो सारे बॉक्सेस के मैंने डिफरेंट साइजेस यहाँ पे कट कर लिए हैं, इन्हें अरेंज करके मैंने देख लिया है। अब चाहिए हमें एक बेस, तो उसी डायमेंशन का मैंने यहाँ पे एक कार्डबोर्ड कट किया है, क्योंकि ये थोड़ा थिन था तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दो कार्डबोर्ड यूज़ किए हैं। एंड इसके बाद ये एक गिफ्ट रैपिंग पेपर से मैंने इन सब को अच्छे से पैक कर लिया है, मतलब इन्हें अच्छे से मैंने स्टिक कर दिया है, सो दैट कि जो लेबलिंग्स हैं वो ना दिखें, एक
खूबसूरत लुक आए। तो ये मैंने अमेज़ोन से लिया था, इसका प्रिंट मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं बहुत बचा बचा के इसे यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा कॉस्टली था बट डिज़ाइंस इसकी बहुत सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत लगता है मुझे ये। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, अगर आप इसे परचेस करना चाहेंगे तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूँगी। अगर ये अवेलेबल होगा तो मैं इसका लिंक आपको ज़रूर दूँगी। तो इस तरीके से हम अपने सारे बॉक्सेस को पैक कर लेंगे। अब जो अंदर का पोर्शन है ये आपको दिख रहा है, ये थोड़ा गंदा लग रहा है, तो जो फ्रंट व्यू है यहाँ पे हम इस तरीके से इसमें पेपर स्टिक कर देंगे। सेम साइज़ के पेपर्स हमें कट करने हैं एंड इस तरीके से हमें इसे स्टिक कर लेना है। तो हमारे सारे बॉक्सेस इस तरीके से रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे अरेंज करेंगे। तो जो बेस था उस पर भी मैंने एक वाइट पेपर लगा दिया है एंड इसके ऊपर मैं फेविकॉल की हेल्प से इन सब को स्टिक कर दूंगी। तो हमारा सुपर इजी ऑर्गेनाइज़र रेडी है। तो आपको पता है कि मैं आर्ट एंड क्राफ्ट करती हूँ एंड मेरे पास बहुत सारे सप्लाईज़ हैं, तो उन्हें अरेंज करने के लिए मुझे ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स बहुत सारे लगते हैं। तो इसके लिए मैं हमेशा ही ऑर्गेनाइज़र्स यहाँ पे बनाती रहती हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपनी छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया है। तो अगर आपका ध्यान उस येलो ऑर्गेनाइज़र के ऊपर जा रहा है तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे चेक कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। तो अब चलते हैं अपने अगले DIY पे। तो यहाँ पे अगेन मैंने ले लिया है वॉल पुट्टी का एक डो एंड उसके बाद छोटे छोटे पार्ट्स मैं यहाँ पे लूँगी एंड छोटी छोटी चीज़ें बनाऊँगी। लाइक मैंने यहाँ पे एक बर्ड बनाया है एंड एक फ़िश बनाई है। आप चाहें तो बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, लाइक आप बी बना सकते हैं, आप बग बना सकते हैं, आप बटरफ्लाइज बना सकते हैं, आप एलिफेंट हेड बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट क्रिएचर्स बना सकते हैं यहाँ पर। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें वेस्ट मटेरियल क्या है? है, इसमें भी वेस्ट मटेरियल है। इसमें मैंने यूज़ किया है अपना एक पुराना ख़राब पेंटिंग ब्रश। तो क्योंकि मैं, आपको पता है मैं पेंटिंग्स भी करती हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे ब्रशेज़ हैं जो ख़राब हो गए हैं, तो उनको फेंकने का मेरा दिल कभी किया नहीं, हमेशा से उन्हें सहेज के रखा कि कुछ बनाऊँगी कुछ बनाऊँगी। तो फाइनली मैंने सोचा कि चलो यही बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने ओल्ड ब्रशेस को यूज़ करते हुए यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट क्रिएचर्स बनाए हैं एंड इसके बाद मैं इसे कम्प्लीटली ड्राई होने दूंगी। तो अब ये ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है रेड एक्रेलिक कलर जिससे मैंने अपने बर्ड को पेंट किया है एंड वाइट एंड ब्लू मिक्स करके मैंने यहाँ पे लाइट ब्लू बना के अपनी फ़िश को पेंट किया है। तो कलर्स तो कम्प्लीटली हमारे ऊपर है कि हमें कौन सा कलर चाहिए, तो बस रैंडम मेरा दिल किया तो मैंने ये कलर्स यूज़ कर लिए एंड इन्हें पेंट कर लिया। सो वी आर रेडी विथ आर प्लांट डेकोरेशन स्टिक्स। तो यहाँ पर मैंने दो ही चीज़ें बनाई हैं, आप और भी बना सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने आज के लास्ट DIY की तरफ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये एक कार्टन बॉक्स लिया है एंड इसके बाद जो इसके ऊपर के फ्लैप्स थे इनको मैंने कुछ इस तरीके से फोल्ड करके पीछे की तरफ यहाँ पे फोल्ड कर दिया है। मैंने इसे कट नहीं किया है क्योंकि अगर हम कट करते हैं कार्डबोर्ड के इन पैनल्स को तो ये थोड़े से वीक हो जाते हैं एंड अगर हम इन्हें इस तरीके से स्टिक कर देते हैं तो ये काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं, ड्यूरेबल हो जाते हैं। तो विद दी हेल्प ऑफ फेविकॉल मैंने इन्हें यहाँ पर इस तरीके से स्टिक कर लिया है। जो एक्स्ट्रा था, जो हाइट से भी ज़्यादा थी, उसे मैंने बेस की तरफ इस तरीके से स्टिक कर लिया है।
एंड क्योंकि अब जब चारों तरफ से आप अपने इस पैनल को स्टिक करेंगे तो बीच में एक गैप आ जाता है, तो उसे फिल करने के लिए मैंने सेम साइज़ का एक कार्डबोर्ड कट किया है एंड इस तरीके से उसे भी स्टिक कर दिया है। अब इसे कवर करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये जूट फैब्रिक। आप कोई भी नॉर्मल फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक कोई पुरानी टी शर्ट हो, शर्ट हो, कोई भी फैब्रिक आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोई गिफ्ट रैपिंग पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। पेपर यूज़ करने में बस एक ही प्रॉब्लम आती है कि वो कुछ दिन बाद ना थोड़ा थोड़ा फटने लगता है, बट फैब्रिक के साथ ये इशू नहीं होती है। अब बहुत लोग पूछेंगे कि गंदा होगा तो हम इसे वॉश कैसे करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये गंदा होगा अनलेस और अनटिल आप इंटेंशनली इसे गंदा नहीं कर रहे हैं। आप अगर इसमें इंक से रिलेटेड कोई चीज़ या फिर पेंट, कलर ये सब नहीं रख रहे हैं तो ये गंदा नहीं होगा। आप इसे एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ करिए, ये कभी ख़राब नहीं होगा। 2 साल पहले मैंने एक बॉक्स बनाया था जो मैंने बेडरूम मेकओवर वीडियो में आपने देखा होगा, वो अभी तक एज इट इज़ है, उसको कुछ नहीं हुआ है। आप इसे एज अ पेपर ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं, आप इसे एज अ डेकोर यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने एक सनफ्लावर पेंट कर लिया है, आप चाहें तो कोई भी पैटर्न या ब्लॉक प्रिंटिंग कर सकते हैं, मैंने इसे काफ़ी सिंपल रखा है। इसी के साथ हमारा ये ऑर्गेनाइज़र यहीं पे कंप्लीट होता है। तो अगर मेरा आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। एंड इसी के साथ मेरे इस पेज BGB स्टोर को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा एंड यहाँ पे आप डायरेक्टली मुझसे मेरे हैंडमेड क्रिएशंस के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या फिर अगर वो अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली मुझसे परचेज भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।